तो आज हम अनबॉक्स करेंगे एक SSD को जो XPG कंपनी की है 256 GB की, और इसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे हम सैमसंग की SSD के साथ, और इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास SSD है, यहाँ पे XPG GameX, यहाँ पे S11 Pro है जिसका नाम, और M2 है, 2280 मॉडल है, और यहाँ पे 256 GB की है। ये हमारे पास SSD है, और फ्रंट साइड पे इसको आपको यही देखने को मिल जाता है, और बैक साइड पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी डिटेल दी हुई है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 साल की वारंटी है, लेकिन यहाँ पे 5 साल की वारंटी होती नहीं है, यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। तो इसको हम करते हैं ओपन, और फ्रंट साइड आपको दिखा दी और बैक साइड दिखा दिया आपको, और इसके साथ और कुछ भी नहीं है इस पर कोई इतना ख़ास। तो इसको ओपन करते हैं सबसे पहले, और इसमें देखते हैं हमें SSD के अलावा हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिर्फ SSD है, यूज़र मैनुअल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ़ एक SSD आपको देखने को मिलती है जो कि M2 है। हमने यहाँ पे निकाल ली है, यहाँ पे आप देख सकते हो छोटी सी SSD है M2 मॉडल, और बैक साइड पे आप देख सकते हो, बैक साइड पे इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, और यहाँ पे इसका ब्रांड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसका नाम वगैरह। तो ये है हमारी SSD। अगर आप इसी में, अगर आप ये S11 है 14 या इससे ऊपर कहीं जाते हो, तो आपको ये वाली साइड आपको जो है RGB में देखने को मिलेगी। ये आपको गेमिंग के लिए ख़ास तौर पे इसको बनाया गया है, तो इसीलिए इसकी लुक भी कुछ हमें यहाँ पे गेमिंग की तरह देखने को मिलती है। अब हम इसका कंपेरिज़न करते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 2 SSD मैंने ओपन की हुई हैं, यहाँ पर हमारे पास एक है सैमसंग की और दूसरी हमारे पास यही वाली XPG। तो अगर आपने SSD लेनी है और आपके पास बजट कम है, तो आप क्या कर सकते हो, आप SPG वाली ले सकते हो। तो इसमें है क्या कि ये आपको एक तो सस्ती मिल जाती है, ये आपको मिलेगी 9500 की, और अगर आप सैमसंग लेना चाहते हो, सैमसंग ब्रांड है एक तो जो सबको पता है, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी लोग यही करते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर आप रेटिंग देख सकते हैं, 15 मिली हुई है, यहाँ पे इसको 4 मिली हुई, यानी कि ये ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता है, तो इसलिए ज़्यादा सैमसंग ही लोग यूज़ करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक तो ये सस्ती है SPG वाली, और इसमें आप अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ पे 3500 और 3000 तक जाती है MB स्पीड इसकी मैं बता रहा हूँ, और जो सैमसंग की है वो 3500 से लेके 3300 तक जाती है, यानी कि थोड़ी सी स्पीड में आपको सैमसंग ऊपर देखने को मिलेगी। और एक इसमें और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे आपको ये 1 साल की वारंटी देते हैं सैमसंग वाले, और ये क्या करते हैं यहाँ पे XPG जो गेमिंग SSD है, ये आपको यहाँ पे 2 साल की वारंटी देते हैं, लेकिन इसके बॉक्स पे 5 साल मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 दिन में ये आप रिटर्न भी करवा सकते हो। मैंने भी यही वाली मंगवाई है, यहीं से दराज से मंगवाई है, 2-3 दिन में आपको ज़्यादा हफ्ते के अंदर आप तक पहुँच जाती है ये। तो बताने का मकसद यही है कि अगर आपके पास बजट कम है या आप गेमिंग SSD लेना चाहते हो, तो आप इसमें XPG ले सकते हो। तो यही था दोनों का कंपेरिज़न, और एक इसमें कंपेरिज़न ये है कि इसमें ये वाला जो लिखा हुआ है NVMe, ये आपको देखने को मिलता है इसमें 1.3, जबकि सैमसंग की SSD में 1.4 आपको देखने को मिलेगा। तो वो एक नंबर ऊपर, अब ये इसमें इस तरह की थोड़ी सी ये ऊपर नीचे होती हैं, इसीलिए प्राइस में भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हैं। तो अगर आप M2 लेना चाहते हो, तो ये सबसे सस्ती आपको यही मिलेगी। तो बाकी स्पीड वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से, अगर तो आपका बजट है 12,000 तक, तो आप सैमसंग करें। उसके बाद अगर आपका बजट है कम और SSD चाहिए M2, तो आप ये वाली XPG वाली कर सकते हैं।
तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।